सुप्रभात बच्चों, आज हम संज्ञा क्या है यह जानने का प्रयास करेंगे। संज्ञा को समझने के लिए सर्वप्रथम हम पृष्ठ में लिखे हुए वाक्यों को पढ़ेंगे। हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। अशोक एक महान राजा था। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। विवेक कल अपने घर चला गया। इन वाक्यों में रंगीन शब्दों से जो भी शब्द लिखे गए हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम का बोध करा रहे हैं। वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। इसलिए हम संज्ञा को क्या किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, जो व्यक्ति है, वस्तु है और स्थान है, उस विशेष कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या किस में रखते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे विशेष नाम कैसे हो सकते हैं? जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, व्यक्ति में कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे हरीश, सुभाष, लक्ष्मीबाई या कोई भी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है उसमें। और वस्तु में भी आप किसी भी विशेष वस्तु, जैसे ताजमहल, चार मीनार, इंडिया गेट, इसमें लिखे हुए हैं। उसके अलावा भी हम जो और वस्तुएं हैं उनके नाम, हम विशेष जो नाम भी आते हैं उनको भी हम संज्ञा में रखते हैं। फिर है स्थान। अब जैसे दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ है, राजस्थान है, जो भी स्थान है वो भी किस में आते हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिसमें हमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से हमें किसका होता है? संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे प्राणियों में क्या आ गया? जैसे आदमी, हिरण, पक्षी, जो भी झुंड में आते हैं, जो जाति का एक बोध कराते हैं हमें, जो एक जाति विशेष का बोध कराते हैं, वो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ऐसे मकान, सड़क, कोर्ट, स्थान में आ गया आपका शहर, स्कूल, अस्पताल, तो ये आपको एक जाति विशेष का बोध कराते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा, स्वभाव आदि के नाम का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द हमें किसका बोध कराते हैं? किसी भी गुण का, दोष का, भाव का, दशा का, स्वभाव का, इन चीज़ों का जो हमें बोध कराते हैं, वो संज्ञावाची शब्द किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, जैसे गुण हमारे अच्छे, बुरे, काला, गोरा, ठीक है, उसके अलावा प्रेम करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, तो ये किस में आएंगे? आपके सारे के सारे भाववाचक संज्ञा में आएंगे। भाववाचक संज्ञा बनाना, कुछ शब्द तो अपने मूल रूप में ही भाववाचक संज्ञा होते हैं, लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्दांश को जोड़कर बनाई जाती है। अब देखिए, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे आप भाववाचक संज्ञा को परिवर्तित करते हैं। अब व्यक्ति, गांधी एक व्यक्तिवाचक में आते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति विशेष के रूप में आते हैं। मार्क्स एक व्यक्ति विशेष के रूप में आते हैं, तो गांधी के विचारों पर जो आधारित होगा वो गांधीवाद हो गया, ठीक है। अब मार्क्स के विचारों पर आधारित मार्क्सवाद हो गया। मनु के विचारों पर आधारित मनुवाद। अंबेडकर के आधार पर अंबेडकरवाद, ठीक है। ऐसे ही जातिवाचक, बच्चा एक बच्चे का बचपना, तो बचपन, बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन, मानव मानवता, नौकर नौकरी, पशु पशुता, नारी नारीत्व, दान नव दानवता, सेवक सेवा,
ये आपका जातिवाचक संज्ञा से हो गया। अब सर्वनाम, सर्वनाम आप जानते हैं संज्ञा से की के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो शब्द हम सर्वनाम जो शब्द हैं उनसे जो भाववाचक शब्द बनते हैं, जैसे निज का निजता, अपना का अपनापन, आपका आपा, मम का ममत्व या ममता, स्व का स्वत्व, सर्व का सर्वस्व, तो ये क्या है, सर्वनाम से बनने वाले भाववाचक संज्ञा। अब है यहाँ पर विशेषणों से बनने वाले, विशेषण किसे कहते हैं हम, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, जो संज्ञा की विशेषता को बताते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर विशेषण, अब अच्छे, जैसे यहाँ पर अच्छा है, अच्छा का क्या हो गया वह अच्छा बच्चा है कहते हैं, तो हम अच्छा एक विशेषण हो गया, तो अच्छा का क्या हो गया, अच्छाई, भला का भलाई भाववाचक, गर्म का गर्मी, महान का महानता, लाल का लालिमा, दुखी का दुख, बुरा का बुराई, ऊंचा का ऊंचाई, खुश का खुशी, निर्धन का निर्धनता, सफ़ेद का सफ़ेदी, सुखी का सुख, ठीक है। अब क्रियावाचक शब्द, जो क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उनके उनसे बनने वाले भाववाचक शब्द कैसे हो गए, चलना का चाल, उसकी चाल बड़ी अच्छी है कहते हैं, अरे वह उसकी चाल तो बड़ी ही तेज है, तो चलना का चाल, सजना का सजावट, चढ़ना चढ़ाई, बुनना बुनाई, उतरना उतरन, रोकना रोक, भूलना भूल, हंसना हंसी, मिलना मिलन, गिरना गिरावट, बनाना बनावट, पढ़ना पढ़ाई, लिखना लिखाई, सिलना सिलाई, समझना समझ, थकना थकान, चुनना चुनाव, चुभना चुभन। ये तो थे आपके संज्ञा शब्द, संज्ञा से बनने वाले जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। इसमें जो भाववाचक संज्ञा से जिन जिन चीज़ों से परिवर्तन आया, जैसे आपका इसमें आपने देखा पहले आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा से परिवर्तन हुआ, भाववाचक जातिवाचक संज्ञा से परिवर्तन हुआ, सर्वनाम से परिवर्तन हुआ, ठीक है, उसके बाद विशेषण से परिवर्तन हुआ और फिर क्रिया से हुआ। तो इसमें जो जो भी परिवर्तन आया जिन शब्दों में, वो भाववाचक संज्ञा कहलाई, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, संज्ञा पढ़ा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति विशेष, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिसमें हम संपूर्ण, जिस संज्ञा शब्द से हमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा में आ गया। और भाववाचक, जिसमें हमें अच्छाई बुराई, गुणों का, गुण दोषों का पता चलता है, जिन शब्दों से, संज्ञा शब्दों से, वो हमारी किस में आ गए, भाववाचक संज्ञा में आ गए। थैंक यू, धन्यवाद।